हाथों से कोई नहीं बचा सकता लाला। भूला। बहुत खून चूसा है तूने हम गरीब किसानों का, और आज तुझे पता चलेगा कि जब एक किसान हाथों से हल छोड़कर बंदूक उठा ले रहे हैं तो क्या होता है। लाला बाहर तू भी आ गया ना मुनीम, तूने हम किसानों के बही खातों में बहुत हेर फेर की है, आज मैं तुम दोनों की जिंदगी में हेर फेर कर दूंगा। बदला लूंगा मैं, बदला मार डालूंगा तुम दोनों को, जान से मार दूंगा लाला। वो कंगन की कीमत तुझे पता नहीं थी लाला, वो बहुत ही कीमती कंगन थे लाला, कंगन की तूने तोड़ के चूड़ियां बनवा। कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था क्या मैडम? कुछ हुआ नहीं। एक तेरा कमिश्नर जो है ना थारा जीजा, एक तो बहुत छोड़ गया है। क्या हुआ जीजू? आपको तो दीदी ने सब्जियां लाने को बोला था, यहाँ क्यों आए आप? अगर बकवास की ना तो अभी सस्पेंड कर दूंगा, समझा? ठीक है फिर आना, आप घर आना, फिर दीदी आपका सस्पेंड करेंगे। अरे ये बिल्लू, तू तो यार मेरा साला है, तेरे को पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तेरे को, है ना? बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे को। डर गए स्वामी। सर आप लोग यहाँ अपना मतलब पारिवारिक डिस्कशन के लिए आए? नहीं मिस चौटाला, मैं ये पूछने आया हूँ कि ये सब क्या हो रहा शहर में, चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब कल ही हमारे ये दोस्त हैं सेठ जी, इनकी तिजोरी लूट ली गई। गरम पराठा कच्चा है। क्या? अरे यार मतलब पराठा गरम हुआ लेकिन कच्चा रह गया, क्या है यार? वैसे मतलब कौन सा पराठा है? ये पराठे मुझे बहुत पसंद है, मतलब आलू का है कि गोभी का है कि पनीर का है, मेथी का है, मेरे तो फेवरेट पराठा। जो आटे में ना तेने गूंथ के तवे पे सेक दूंगी मैं फैट फ्री बटर लगा के। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द लखनऊ में ट्रैफिक जैम इज द है? मैं क्लर्क हूँ। चुप खड़ा रहना, एकदम बोलना नहीं। ये जो आप बोल रहे थे सेठ है ये? जी मैं सेठ हूँ और मेरा नाम क्लार्क है। अजी उससे क्या फर्क है? अरे फर्क तो है ना, नाम क्लार्क है तो क्लार्क बोलिए ना फिर। अब जो प्रॉब्लम है अपनी बताइए, यहाँ मजाक चल रही है। मैडम जी, अरे हमारा पूरा नाम सेठ क्लार्क कुकरेजा, फट गया है कलेजा, क्योंकि कल रात मेरी दुकान में खुल गई मेरी तिजोरी और हो गई चोरी, गरम पराठा कच्चा है। कितने बजे हुई है चोरी? मैडम देखिए क्या हुआ कि हम रात के 10 बजे अपनी दुकान बंद करके हम अपने घर गए, और सुबह जब हम लौट के आए, हमने दुकान खोली तो हमने देखा कि हमारी तिजोरी खुली हुई है। अब ये जो कुछ भी हुआ ना वो सब इसी बीच में हुआ, गरम पराठा कच्चा है। ये चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। सर मैं इस गैंग के पीछे हूँ और बहुत जल्द यो चोरी करने वाला गैंग यो पकड़ा जाएगा सर। गुड, लेकिन हमारे लाखों का माल का क्या होगा? अरे जब गैंग पकड़ी जाएगी तो लाखों का माल भी पकड़ा जाएगा ना, कईयों का, फिर तुम्हारा बट जाएगा तुम में। ऐसा है यहाँ पुलिस काम करिए, आप प्रेशर बनाने की जरूरत कोई ना है, समझे तुम? और निकल यहाँ से अभी, चल अपना पराठा सेक जाके कच्चा वाला, चल हट। जा रहा हूँ भाई। I'm sorry about that, sir. नहीं, चूंकि कोई ऐसी बात नहीं, एक आध दो झापड़ भी रख देने थे। ये. आपको मालूम है कल उसने मुझे झूले से गिरा दिया था। I'm sorry about that, sir. क्या बात कर रहा है? Excuse me, शादी लखनऊ में, रिसेप्शन मऊ में। ओ, क्या बात है यार, तो हमें कहाँ बुला रहे हो, शादी में या रिसेप्शन में? आप कौन हो? दुल्हन के भाई या दूल्हे के जीजा? ओहो महाराज, रात में ये टकाने का इंतजाम है? अरे क्या बात कर दो दादाजी, अरे यहाँ पे मेरा खुद का बैंड बज गया और आपको बारात की और ये टिकाने की सुन रही? शादी लखनऊ? सर मेरी बात सुनिए। ये लोग तो देखिए मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, देखो ना। क्यों बे, इसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? काम में ध्यान दो। हमें बताओ, हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं, हमें बताओ। तो सर मेरी बात सुनिए कि मैं हूँ, मेरा नाम है जॉनसन टोपी, शादी लखनऊ में, रिसेप्शन मऊ में। क्या बात है, रिसेप्शन मऊ में?
यार देखो भैया, खाना कैसे भी रखना रिसेप्शन में, पान का स्टॉल ना जरूर रखना। क्या सर, आप भी माने? अरे यहाँ पे मैं खुद इंजर्ड हो गया हूँ, हाथ में प्लास्टर चढ़ गया है और आप। समझ गया यार, तुमने गलती कर दी यार, ये पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल नहीं है। हाँ तो सर, मुझे पता है ना कि पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ। अच्छा, FIR लिखानी है तो ऐसे बोलो ना। अच्छा बताओ, चलो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने बजे हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, बताओ। सर इतने सवाल एक साथ? तो निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देता हूं सर, मैंने बता तो दिया कि मेरा नाम है जॉनसन टोपी। टेढ़ी पुलिया के पास बांदा रोड के पीछे अटरा स्टेशन के आगे मैं रहता हूँ। ओ तो तुम अटरा स्टेशन के पीछे रहना चाहते हो? अरे लोकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। बात क्या है कि जो घर में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे दो स्टोरेज है, माने कि नीचे और ऊपर। अब नीचे वाला जो घर है ना, वहाँ पे मैं रहता हूँ, और ऊपर वाला जो घर है ना, उसमें एक फैमिली रहती है, यानी कि एक पत्नी और एक पति। शादी लखनऊ में, रिसेप्शन मऊ में। हाँ तो सर, मैं ये बता रहा था कि जो ऊपर वाले माले पे जो पति और पत्नी रहते ना, वो लोग रात को नाचते हैं, इतना नाचते हैं कि पूरी रात नाचते ही रहते हैं। अरे भैया, अगर वो नाचते अपने घर में नाचते, उसे तुम्हें काई का प्रॉब्लम बे? प्रॉब्लम ये है सर कि वो लोग इतनी जोर से, यानी इतने दम दम करके नाचते हैं कि मेरी छत का प्लास्टर टूटा और मेरे हाथ पे गिर गया, इसने मेरे हाथ पे ये प्लास्टर चढ़ गया। शादी लखनऊ में, रिसेप्शन मऊ में। देखो सिमरन, आज मैं तुमसे वो कहूंगा जो मैंने आज तक नहीं कहा। आज एक सपना और देख। सर कुछ हुआ था? अबे तूने हमें छुआ था। चल भाई तू निकल, तेरा काम हम कर देंगे। अबे निकल बे। Dance in Chowki is prohibited. मतलब मना है ना, अगर समझ में आई हो तो। नहीं, आ गई है समझ में। आ गई। नाचेगी दुनिया, देखेगी दुनिया। भाई दुनिया जब देखेगी तब देखेगी मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारे खिलाफ FIR लिखाई गई थाने में। ना मैडम, आप हमें बताइए, किस मुंह जले, करम जले, ना मुराद, बदतमीज, बेगैरत गधे लल्लू ने हमारे खिलाफ FIR लिखवाई है? तातर के सरकार गिरा दूं, तुम कैसे? जिनसे आप मुखातिब हैं उसने लिखाई है, इसे पहचानते हो? अरे हाँ, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, मतलब हमारे घर के नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। ये इनका नाम है जॉनसन टोपी, नाचेगी मुनिया देखेगी दुनिया। Well, bro, who the he the munia is the? मेरी एक पड़ोसन थी चुनिया is. Get out. Sorry. ऐसा है दद्दू जी, सॉरी छोड़िए, और अब हम आपको बता दे रहे हैं कि हम हो रहे हैं मुनिया, इनकी पत्नी। और मैडम जी, ये हो रहे हमारे पति, महानचनिया हौसला चतुर्वेदी। सरकार गिरा दूं, तुम कैसे? भाई ऐसा है कि इतना क्यों नाच रहे हो मियाँ बीवी के, इसके घर का जो है तुम्हारे का प्लास्टर गिर रहा है, तुम्हारी जमीन घर की, और इसका जो है छप्पर गिर के इसको ये घायल हो रहा है बिल्कुल, इतनी फुर्ती आ रही तुम में क्यों भाई? अरे नहीं मैडम, ये क्या बात हुई? देखिए मैडम, हम दोनों वाइफ हस्बैंड जो है ये नाच के दीवाने हैं, नाचे बिना रह नहीं पाते। मैडम जी हम आपको बताते हैं, जब संगीत बजना शुरू होता है ना तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं, और जब तक संगीत बजता रहता है हम नाचते रहते हैं। सरकार गिरा दो ठुमके से। अबे सरकार ने गिराओ, बात दीगर है, पर प्लास्टर क्यों गिरा रहे हो इसके घर का? आज से नाच गाना बंद। एक मिनट, देखिए मैडम बुरा मत मानिए, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ मैडम।
अपने घर में रह के नाचना कोई जुर्म नहीं है मैडम, और हम तो म्यूजिक भी उतना ही बजाते हैं कि उसकी आवाज हमारे घर से बाहर तक ना जा सके। इसलिए मैडम कानूनन आप हमें नाचने से रोक नहीं सकती। नाचे की मुनिया देखे की दुनिया। कानूनन मैं के कर सके हूं और के नहीं, ये तू मन ने ना समझा, वरना ऐसी तुड़ाई करूंगी मैं, ऐसी तुड़ाई कि सिर्फ ब्रेक डांस होगा उसके बाद। लेकिन मैडम हम ना ना ऐसा है, इतनी टोकी टीम में ना हूं, आर्गुमेंट खत्म, इब कोई नाच गाना ना होगा बस। अरे लेकिन मैडम हम करें क्या, जैसे म्यूजिक बजता है हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता मैडम, हम नाचना शुरू हो जाते। नाचे की मुनिया देखे की दुनिया। हाँ तो ये म्यूजिक नहीं बजेगा, क्योंकि अगर म्यूजिक बजा तो फिर रैपता बजेगा गाल पे। भाई गुलगुले यू एक्सप्लेन, हैं यू आर एक्सपीरियंस्ड। मैं समझाता हूँ, आइए मैं समझाता हूँ, आइए आइए समझाता हूँ, आइए आइए। और यो जो दो फाइलें हैं उन्हें जरा, अबे सीधा चल ले, दोनों फाइलें अपने जीजू तक पहुंचा लियो। कमीस कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, पिटेगा एक दिन बहुत बुरी तरह। फाइलें भिजवा जरा अपने जीजा के पास, हाँ या नहीं। क्या चल रहा है मैडम? मैं सुपरस्टार जैकी चैन के साथ वीडियो चैट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम। ओफो जैकी चैन तो बेस्ट है यार, उसकी मैं नंबर वन फैन हो रही हूँ जैकी चैन की। जैकी चैन की फिल्म है CZ12, जबरदस्त फिल्म बनी है, सबको देखनी चाहिए आज ही जाके। मैडम मैं आपको बीच में रोक के अब एक बात कहना चाहूंगा कि जैकी चैन जी जैसे बड़े सुपरस्टार अगर अपने फैंस के साथ में इस तरह वीडियो चैट करने के लिए आने लग गए ना मैडम, तो बहुत ही हल्की बात हो जाएगी मैडम फिर। हाय FIR टीम। मैडम जैकी चैन है कितने, जैकी चैन, जैकी चैन। हेलो जैकी जी, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई लव यू, आई लव यू टू। जैकी जी मन्ने ना आपकी आपकी फाइटिंग बहुत बढ़िया लगा है सर, मतलब यू वेरी गुड फाइटर्स, यू टू फाइट गुड। जैकी आप हमारी चौकी में कब आ रहे हैं मुझे कुन को सिखाने के लिए प्लीज? Very soon. ओए अश्राम बाइट वास करवाओ जल्दी। अरे 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 Watch CZ12 in theaters. अरे आज अभी अभी टिकट लूंगा सर, अभी अभी। Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. जैकी जी. गए अरे दादाजी मैं यही तो बताने के लिए आया हूँ कि देखो इन लोगों ने मेरे दूसरा हाथ भी तोड़ दिया है मैडम। शादी लखनऊ में रिसेप्शन मऊ में। मतलब मैडम ने साफ साफ पिछली बार कहा था कि ये लोग नहीं नाचेंगे, फिर भी ये लोग नाचे। अरे मैडम ऐसा नाचे कि फिर से मेरी छत का प्लास्टर उखड़ा और दर्द के मारे मेरा मिल गया थारा मुखड़ा। अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मैडम। तुम दोनों से कह कही थी मैंने
मना करी थी ना मैंने कि डांस नहीं होगा और नाचोगे नहीं। नहीं ठीक है मैडम, लेकिन इस बार हमारा कसूर नहीं है मैडम। मैडम हमारा कसूर नहीं है, हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि म्यूजिक सुनने के बाद हमारा कंट्रोल नहीं रहता अपने आप पर, हमारे पांव अपने आप थर थर डांस करने लगते हैं मैडम। नाचेगी दुनिया, देखेगी दुनिया। एक तो तू पोंछा लपेट के आया अपने सर पे है, ऊपर से बात कर रहा है लंबी लंबी। अबे तो मैंने कही थी म्यूजिक भी नहीं बजेगा, क्यों बज गया म्यूजिक? अरे हमने म्यूजिक बजाया ही नहीं। तो क्या बादलों ने बजाया कि आसमान ने कि धरती ने जमीन ने पाताल ने, किसने बजा दिया? देखो यार जो भी बात है, दांत है हाथ है, खुल के बोल डालो, अपनी बीवी की जुल्फों को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का हाका नूडल उलट गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी मंचूरियन। मेरा मतलब है खुर्राट चिकन चिली तेरे, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ में आ रही है ना बात? देखिए मैडम दरअसल बात यह है कि इस बार म्यूजिक इन्होंने यानी कि जॉनसन टोपी जी ने खुद बजाया था। नाचेगी मुनिया देखेगी दुनिया। वेल तुमने म्यूजिक क्यों लगाया इसदा, मेरी पड़ोसन ने कल मुझे भगाया इसदा। चुप रह जरा दो मिनट। तू बावड़ा है? अबे तू इनके खिलाफ यहाँ एफआईआर लिखाने आया है और तू खुद म्यूजिक बजा के इन्हें अटेम्प्ट कर रहा, तू बोर्डम है तू? नहीं मैडम मैं बॉडम नहीं हूँ, मैं बर्थडे बॉय हूँ। एक्चुअली मैडम क्या है कि कल मेरी बर्थडे थी हा? तो और ऊपर से मैं अकेला रहता हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। सेम है मैडम ये तो। हाय हाय सेम है। अच्छा तो मैडम इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद म्यूजिक बजाऊं और क्यों ना मैं खुद अपने आप को हैप्पी बर्थडे टू मी कह डालूं, इसलिए मैंने म्यूजिक बजाया मैडम। शादी लखनऊ में, रिसेप्शन मऊ में। सुन लिया ना मैडम जी, अब म्यूजिक बजाए ये और हम कमर भी ना मटकाए। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सरकार गिरा दूं ठुमके से। भाई मन ने यो दिखे है कि तुम दोनों मियां बीवी आर डिसग्रेस टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी रहने लायक नहीं हो। तुम कहीं और हिल स्टेशन वगैरह शिफ्ट हो जाओ, इतना अगर उधम मचाने का हो रहा शौक, या ग्राउंड फ्लोर का मकान लो बिल्कुल एकांत में, जहाँ खूब जो है नाचो कूदो, किसी ने परेशान ना करो। अरे मैडम ये तो कोई बात नहीं हुई मैडम, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप खुद डांस नहीं करती हैं, आप डांसर नहीं है इसलिए। आपको पता नहीं मैडम कि एक डांसर जो है वो डांस किए बिना नहीं रह सकता। नाचेगी मुनिया देखेगी दुनिया। अरे मैडम ये जो है ना ये पाठ, वरना आप हमें नहीं पढ़ा रही होती कि अपना घर बदल लो। हम क्यों बदले अपना घर? अरे बदलना है तो इनसे कहो अपना घर बदल ले। और क्या नहीं तो मैडम जी, अरे सारी दुनिया हमारे डांस से जलती है और अब तो आप लोग भी जलते हैं, इसीलिए तो आप लोगों ने हमारे खिलाफ ये फैसला किया है। अरे अगर इतनी हिम्मत है तो आइए कीजिए दो दो हाथ, हो जाए मुकाबला क्यों? हाँ ये सही रहेगा, ये सही रहेगा मैडम। ठीक है आप चाहती है ना कि हम घर बदल लें, तो ठीक है आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, हमारे साथ कीजिए मुकाबला। hey, 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 hey. अगर आप जीत गई तो हम अपना घर बदल लेंगे, और अगर आप हार गई तो आप हमें दोबारा घर बदलने के लिए नहीं कहेंगी। नाचेगी मुनिया देखेगी दुनिया, क्या ये मंजूर है? मैडम ये तो आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं मैडम, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनकी हिम्मत कैसे आपको चैलेंज करने की? हुई 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 हुई। अरे हाँ मैडम, मतलब हमारी चौकी में आके आपको चुनौती, ये तो वही बात हो गई जैसे तबेले में भैंस को चुनौती। और दे ले इससे घटिया वाली उपमा दे ले कोई छांट के। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब था कि जंगल में आके शेरनी को चुनौती, बेटर ना? नहीं मैंने मेरी बात सुनी, आप है ना इन लोगों की चैलेंज एक्सेप्ट मत कीजिएगा। हाँ well, why is the, कल मैंने खाए पाए इस द। अरे इसलिए दादाजी क्योंकि मैंने है ना इन लोगों का डांस देखा है, बड़ी खतरनाक डांसर है मैडम, और ये जो है ना ये छुटकू वाली वो तो बड़ी ही कटीली नचनिया है, शादी लखनऊ में, रिसेप्शन मऊ में। कहिए मैडम डर गई। ठीक है मैडम चलिए अब हम चलते हैं, नाचेगी मुनिया देखेगी दुनिया। हाँ एक मिनट रुको रुको, मन ने चैलेंज मंजूर सर। हैं? तो ठीक है फिर शनिवार को यही इसी चौकी में होगा मुकाबला, नाचेगी मुनिया देखेगी दुनिया। हाँ ठीक है, तब तक जरा वो हमारी टेबल पहुंच दे अपने पहुंचे से। बाय बाय चल कर। थैंक यू मैडम।
बस अब मैं और तुझे क्या बताऊं जेंटलमैन, बहुत ही दुख भरी कहानी है मेरी। तू सुनेगा ना तो तेरे आंसू निकल आएंगे। सुनेगा, मेरी कोई शादी नहीं हुई अभी तक और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई है। मेरी छोड़, तू बता तेरी है कोई गर्लफ्रेंड? क्या तेरी 10 गर्लफ्रेंड है? फिर तो जेंटलमैन तू मेरा गुरु बन जा, मुझे भी सिखा दे कि लड़की कैसे पटाते हैं, फिर मैं भी बनेगा ना जेंटलमैन। प्लीज, थैंक यू जेंटलमैन, सॉरी गुरुजी। भैया थोर बेटा चुटता है क्या? अरे वो बाहर लिट्टे वाला खड़ा है ना, मेरे को उसको देना है। मैं आया था ना तल आपकी दुकान पे टॉफी लेने। भैया 100 रुपए का लो तो। अरे यार भले ही लिट्टा लो, जिद्दी लिट्टे वाले हो यार तुम, 2 मिनट बानी धरे ले सकते हो क्या? हम क्या है, रिक्शे वाले? तो क्या तई का तलत्ता ले क्या तू? एक तो थवाली बिठाते हो, छुट्टे पैसे नहीं लगते हो, और आदमी आ गया छुट्टे लेने के लिए तो पीछे पीछे अंदर आते। अबे काय मजे ले रहे हो बे, कान मरोड़ो, हमें से हाथ भी नहीं लगाना, मरोड़ो उसके। क्या कुछ हुआ था क्या सर? तूने हमें रिक्शा वाला कहा और बहुत कुछ कहा बे। डिफेक्टिव पीस, एक्सपायर डेट, नॉनसेंस, ड्यूटी फ्री। हेलो जेंटलमैन। उसने हेलो का जवाब दे दिया। मैंने आप लोगों को जेंटलमैन कहा। अबे हमारी हिम्मत कैसे हुई आप लोगों को जेंटलमैन कहने की? अरे सर तो मैंने इसमें गलत क्या कहा है? बोलो खुल के, खाओ फूल के। जेंटलमैन इसका नाम है, हमारा नहीं है, समझे? हैं? तो फिर आप लोगों का नाम क्या है? टॉमी? सॉरी सर, सॉरी। बोलो खुल के, खाओ फूल के। मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द, डोंट एंग्री मी। दादाजी मेरा नाम है आशिक हूँ राठौर, मेरी बात पे कीजिए गौर। वेल भाई दा यू दा कम इज द, मेरी बीवी ने लपड़ लगाया गर्मा गर्म इज द। सही किया। देखिए सर, मैं एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी में मैनेजर हूँ और हमारी कंपनी आपके शहर में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाने वाली है। ओह तो आप हमें उस प्रदर्शनी के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं। वैसे वो वहां पर कुछ खाने पीने का इंतजाम तो होगा ना? मतलब कुछ तो होगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। भैया कब है आपकी प्रदर्शनी? सर संडे को लगने वाली है और उसमें क्या है कि एक बिजनौरी बेशकीमती हीरा रखा जाने वाला है। अब हमें डर है कि कहीं वो प्रदर्शनी में हीरा चोरी ना हो जाए, तो हम चाहते हैं कि आप लोग वहां आए और उस हीरे की हिफाजत करें। बाकी बोलो खुल के, खाओ फूल के। हाय हाय। कितने का हीरा जी? 64 करोड़। अब आप फिकर मत करिए मिस्टर आशिक, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट वहां आ जाएगा आपके हीरे की प्रोटेक्शन करने के लिए ऑन संडे। थैंक यू सर, थैंक यू। वहां जाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, बकेट लाओ, उसके ऊपर फेंक दो। बकेट में पानी डाल, सिर्फ बकेट फेंक दो। एक मीठा पान बनाओ बढ़िया वाला, भुखला ही खाने के बाद पान तो लगता है यार। एक्सक्यूज मी, आपका रुमाल गिर गया। तो तुम उठा के नहीं दे सकते, तुम्हारे हाथ में क्या मेहंदी लगी है? थैंक यू हैंडसम। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? इस नाचीज को लोग प्यार से बिल्लू कहते हैं। बिल्लू? वेरी स्वीट। दूध में डबल रोटी मिलाकर खिलाने का मन कर रहा है।
आपका शुभ नाम क्या है वैसे? मेरा नाम रमेश। बहुत ही प्यारा नाम है, इतना खूबसूरत नाम मैंने आज तक कभी नहीं सुना। रमेश। रमेश, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। नहीं छोड़ो फिर। अच्छा बिल्लू, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना रमेश। वो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? है तो नहीं, लेकिन मैं बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हो जाए। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या रमेश? नहीं। कितनी चुम्बेश्वरी हो रहा, बिल्कुल ही चल। मैं तैयार हूं मैडम। गोली खाने को कि गाली? मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है। मैडम मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं। तू मन्ने ट्रेनिंग देगा? किस चीज की दे रहा ट्रेनिंग? मैडम शायद आप भूल रही हैं कि वो जो पति पत्नी आए थे उनकी डांस की चुनौती आपने एक्सेप्ट की है। मैडम मैडम अब आप क्या चाहती हैं? कि आप जाएं हार और हम रोएं जार जार? नहीं मैडम। और मैडम ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये पूरे पुलिस फोर्स की इज्जत का सवाल है मैडम। इसके लिए मैं खुद मुलायम सिंह गुलगुले आपको डांस की ट्रेनिंग देगा। हाँ और मैडम आप कोई कसर मत रखिएगा, ऐसा नाचिएगा कि शीला से लेकर मुन्नी तक सब फेल हो जाए। मैं देखूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल मॉम, ट्रेनिंग लेने में नहीं है कोई नुकसान, इसदा मेरा भारत महान इसदा है। इसलिए मैडम हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब आप मुझे देखिए, मुझे गौर से देखिए, ठीक से देखिए, आंखें फाड़ के देखिए, आंखें गाड़ के देखिए, घूर घूर के देखिए। देखिए डांस शुरू करते हैं मैडम। ये देखिए, ये वाला स्टेप कीजिए मैडम। सीख रही हैं आप? सीख रही हैं आप? आगे का स्टेप दिखाता हूं ना आपको मैडम, आगे वाला। ये वाला कीजिए आप। ये वाला कीजिए। सीख गई मैडम आप, कमाल का डांस सीखी हैं आप। क्या सीखी हैं, इतना फास्ट मैंने कभी देखा नहीं किसी को डांस सीखते हुए। मैडम क्या सीखी हैं आप? सीख गई? क्या बात है मैडम, आप सीख गई मैडम। हाय हाय मैडम, आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर हैं। इंतजार करो सैटरडे नाइट का। इन कुछ ही पलों में हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं ना रमेश। हाँ। तुम्हें पता है मैंने अभी तक किसी को भी तुम्हारे बारे में बताया नहीं है। आखिर मैं क्या बोलूं लोगों से कि रमेश मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा ये सब छोड़ो बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, दूध में डबल रोटी मिलाकर, लो खा लो। मैं बाद में खाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इसे कहते हैं कुछ लाना। बिल्लू तुम्हें पता है जब कोई स्वीट सा लड़का किसी स्वीट सी लड़की को लाल गुलाब देता है तो उसका क्या मतलब होता है? ये तो पता नहीं है रमेश, लेकिन इतना पता है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने लाल गुलाब दिया है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब कोई स्वीट सा लड़का किसी स्वीट सी लड़की को लाल गुलाब देता है ना तो उसका मतलब होता है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ रमेश, कैसा लगा तुम्हें मेरा प्रोपोगंडा? ये
चल बुद्धू, ऐसे भी कोई किसी को प्रपोज करता है क्या? कल चॉकलेट्स लेके आना। ठीक है रमेश। रमेश एक सवाल बहुत देर से मेरे दिमाग में आ रहा है। हम ये पहाड़ी पे चढ़ तो गए हैं, लेकिन अभी उतरेंगे कैसे हम लोग? बिल्लू तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, चलो आ जाओ मेरे कंधों पे, मैं तुम्हें नीचे ले चलती हूँ। बेताल की तरह? What? हाँ। हाँ भाई, नृत्य के प्रकांड पंडितों, ईब के कहना है? नहीं मैडम, मान गए मैडम, मान गए कि इस दुनिया में आपसे अच्छा डांसर और कोई नहीं है। हम अब कभी नहीं नाचेंगे मैडम, नाचेगी मुनिया, देखेगी दुनिया धन धनाधन। हाँ मैडम, और वो शर्त के हिसाब से जो है हम वो मकान बदल देंगे, सरकार गिरा दो ठुमके से। हाय हाय, देखा, इसलिए कहते हैं कि सब कुछ ले लेना, लेकिन चंद्रमुखी चौटाला से पंगा मत लेना। अच्छा किया मैडम आपने। हाय हाय। नहीं मतलब मेरी ट्रेनिंग की वजह से आज आप ये मुकाबला जीत ही गई। आप अच्छा नाचती हैं। Well, मॉम है अल्टीमेट इज द, जैसे बिहार में है इंडिया गेट इज द, दिल्ली में या दिस वन। मैडम अब हम चलते हैं। कहाँ अभी चलते हैं? अभी तुम्हारा साला आने वाला है, उससे तो जरा मिल लो। साला? कौन साला? आने वाला होगा नहीं, बल्कि हम खुद उसे ले आए हैं। क्यों, रंग उड़ गया फेस का, क्लाइमैक्स आ गया केस का? तो साला ना है तुम्हारा, तू जीजा ना है इसका, यो बहन ना लग रही इसकी, पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है? खूब ड्रामा चल रहा है कि प्लास्टर गिर गया और नाच लिए लोग और जो है तंग कर रहे हैं और फलाना ढिमका और बड़े चालाकी से डांस कंपटीशन रख दिया ताकि पुलिस वहां बिजी हो जाए और तुम्हारा ये घूंघट वाला साथी वहां से बिजनौरी हीरा चुरा ले। क्यों? लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि जिससे पड़ा है तुम्हारा पाला वो है चंद्रमुखी चौटाला। देखो यार मैडम को तो पहले से ही शक हो गया था, फिर हमने तुम्हारी हिस्ट्री निकाली, तब पता चला कि तुम लोग वही रिश्तेदार हो जो अलग अलग शहरों में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हो। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इल्ता, अब तुम जाओगे जेल इल्ता। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अगर आप लोगों ने इतनी सूझबूझ से काम नहीं किया होता तो बिजनौरी हीरा कब का लुट पिट चुका होता, मेरा मतलब चोरी हो चुका होता। इंस्पेक्टर पांडे सर, बिल्लू, गुलगुले एंड गोपी, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। चल बकवास मत कर, चवन्नी जो चुराई थी मेरी निकाल। चल कुछ हुआ था क्या? वैसे ब्रेक्स काफी अच्छे हैं तुम्हारी गाड़ी के रमेश। थैंक यू बिल्लू, थोड़ा टाइम पे लगा लिया करो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी चॉकलेट्स कहाँ है? लाया हूँ ना, ये रही तुम्हारी चॉकलेट और मैं अंगूठी भी लाया हूँ। चॉकलेट्स तो ठीक है, लेकिन अंगूठी क्यों? क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ रमेश, मैं तुम्हें अभी चॉकलेट खिला के एंगेजमेंट कर डालूंगा। सच? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो बिल्लू? प्यार का तो पता नहीं है रमेश, लेकिन मैं ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा बहुत बकवास कर ली, अब चलो मुझे प्रपोज करो।
मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ रमेश, लाओ उंगली। रुक जाओ, क्या हो रहा है ये सब? मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू कौन है बे? बताओ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है सिप्पी, इससे मेरा झगड़ा हो गया था तो इसको जलाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ये सब टाइम पास कर रही थी। रमेश सिप्पी? हाँ रमेश, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें और किसी और के साथ नहीं देख सकता। सच सिप्पी? हाँ रमेश। आई एम सॉरी बिल्लू, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें जरूर कोई अच्छी लड़की मिलेगी, बस अंगूठी संभाल के रखना। वाओ 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 वाओ। चल हट। बैठो लाली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.